मैं शिवम सिंगल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है कृषि ज्ञान पावर्ड बाय वेस्टेज एग्री। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कॉटन की फसल के लिए टिप नंबर 4 शेयर किया था। आई होप आपने उसका भरपूर फायदा उठाया होगा। आज हम लोग कॉटन के लिए टिप नंबर 5 की बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की कि क्या आप जानते हैं कि कॉटन की फसल जब किसान करता है तो कपास की फसल में ऑलमोस्ट जीरो वेस्टेज होता है, क्योंकि जो फाइबर है वो तो हम जानते ही हैं अल्टीमेटली कपड़ा बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है, लेकिन उसके अलावा जो बीज निकलता है उस बीज को या तो हम एनिमल फीड के तौर पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कॉटन सीड ऑयल को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी यूज किया जाता है। सेकेंडली, जो लास्ट में स्टॉक्स बचता है फसल का, उसको भी हम ग्रीन मैन्योर के तौर पे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति या फिर उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी भाग कॉटन की फसल में है वो सभी पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 5 की, जो कि है 20 डेज आफ्टर फ्लावरिंग, अर्थात टिप नंबर 5 है फूल आने के 20 दिन बाद। अगर कॉटन की फसल में पूरी तरीके से फूल आ चुके हैं, वहां पर हम वेस्टीज के एग्री नैनोटेक, वेस्टीज एग्री गोल्ड एंड वेस्टीज एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। वेस्टीज एग्री नैनोटेक को हम 15 लीटर के टैंक में 30 ग्राम डाल के स्प्रे करवा सकते हैं। यह हमारी फसल में जो फाइबर बनने वाला है, जो कॉटन बनने वाला है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है, रेशे की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। एग्री गोल्ड को हम 15 लीटर के टैंक में 20 ग्राम डाल के स्प्रे करवा सकते हैं और ये हमारी फसल में फ्लावरिंग के टाइम या फिर फ्रूटिंग के टाइम या मैच्योरिटी के टाइम जो स्ट्रेसेस आते हैं उनसे फसल को बचाने का काम करता है। एग्री 82 को हम 15 लीटर के टैंक में 5-10 ml डाल के स्प्रे करवा सकते हैं और इसको हम एक स्प्रेडिंग एंड वेटिंग एजेंट के तौर पर प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। आप इसको अपनी टीम के साथ, डाउनलाइंस के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं कॉटन की फसल हो रही है तो आप उन किसानों के साथ इस टिप को शेयर करके वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आज का जो टिप था वो कॉटन की फसल के लास्ट टिप था। आप 5 टिप यूज करके कॉटन की फसल में भरपूर अपने प्रोडक्ट्स का प्रयोग करके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी हम इस प्रकार के टिप्स आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।